तो हम आ चुके हैं वेम्बली स्टेडियम, हम जैसा देख सकते हैं पीछे ये वेम्बली का फेमस आर्च जो हमको दिखता है हमेशा, जो भी कप फाइनल होता है यहाँ पर इंग्लिश फुटबॉल में वो वेम्बली में ही खेला जाता है, और बहुत बड़े बड़े और भी इवेंट्स वेम्बली में होते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं किस तरीके से ये स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है ये इंग्लैंड का, और बहुत मजा आने वाला है आज। तो मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं हम वेम्बली की, बॉबी मूर एंट्रेंस बोला जाता है। बॉबी मूर का एक बहुत ही शानदार स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। जिनको नहीं पता, बॉबी मूर इंग्लैंड फुटबॉल के एक बहुत बड़े लेजेंड है। 1966 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड ने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी तो उस टीम के कैप्टन थे बॉबी मूर, और उन्हीं को ही यहाँ पर जो है कमेमोरेट किया गया। ये आप देख सकते हैं जो इंग्लैंड की फेमस 1966 की जो टीम थी उसका लाइनअप है, और उसी को ही जो है वो वेम्बली में ही हुआ था वो फाइनल, और इंग्लैंड में ही हुआ था वो वर्ल्ड कप। वेस्ट जर्मनी को इंग्लैंड ने 4-2 से हरा के वर्ल्ड कप फाइनल जीता था, तो उसकी याद में ये स्टैचू बनाया हुआ है, और ये हम वेम्बली की मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा जो टूर है वो स्टार्ट होने वाला है अभी वेम्बली का, और ये जो नया वेम्बली बना है वो पुराने वेम्बली की जगह पर ही बना था, और 2007 में जो पहला FA कप फाइनल हुआ था इधर वेम्बली में, न्यू वेम्बली में हुआ था, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो चेल्सी 1-0 से जीती थी, ड्रॉगबा ने उसमें गोल मारा था, बहुत ही आइकॉनिक मैच है। और अभी टूर उसका स्टार्ट हुआ, तो आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के आगे आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं अपनी, और फिर वो आपको पैसे वैसे दे के आप जो भी बैकग्राउंड चाहे वो लगा के, एंड देन आप उसको फ़ोटो को फ्रेम व्रेम करा सकते हैं, एक अच्छी सी फ़ोटो आप पा सकते हैं वेम्बली सराउंडिंग्स में। ये ट्रॉफी है जिनके लिए वेम्बली में खेला जाता है FA कप कम्युनिटी शील्ड, हर साल सीजन के एंड में इन दोनों ट्रॉफी के लिए मुकाबला होता है। सीजन की शुरुआत में होता है कम्युनिटी शील्ड के लिए, सीजन के एंड में होता है FA कप के लिए। इस बार FA कप फाइनल किस में होगा बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। गाइस ये चैंपियंस बार में हैं हम यहाँ पर, बहुत सारी पुरानी पुरानी जो हैं हिस्टोरिक जो इवेंट्स रहे हैं, और रीसेंट हिस्ट्री से भी वेम्बली के जो भी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं आपको मेमोरेबिलिया और जर्सीज वगैरह दिखेंगी। पीछे हमने देखा था मैन सिटी, चेल्सी वुमेन, लिवरपूल जो पिछले साल के FA कप विनर्स हैं उनकी जर्सीज वगैरह थी। इसी तरीके से यहाँ पर टूर वगैरह होता है, ये पुराने टाइम की कुछ जो इवेंट्स हुई हैं उसकी है। ये स्पीडवे चैम्पियनशिप है कोई जो वेम्बली में हुई थी बहुत पहले 1933 में, वाओ 1933 में हुआ था ये इवेंट, नाइस। तो वेम्बली में जो भी इवेंट्स हुए हैं नॉट ओनली फुटबॉल बट उसके अलावा भी जो भी है काफ़ी हिस्टोरिकली उसको यहाँ प्रेजेंट किया गया है, और अब हम चलेंगे स्टेडियम की ओर। गाइज 90,000 कैपेसिटी के साथ वेम्बली जो है UK का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी आफ्टर कैंप नू बार्सिलोना में। और जो आर्च है वेम्बली के ऊपर ये आप देख सकते हैं, मैं अगर थोड़ा जूम करूँ तो ये बॉटम है आर्च का, और आप थोड़े इस तरीके के देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आर्च इसलिए क्योंकि सपोर्ट करता है पूरे स्ट्रक्चर को, और पिलर्स नहीं है एक भी, आप पूरे स्टेडियम में देख सकते हैं, इस वजह से आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है पूरे स्टेडियम का। हाउ कूल इज़ दैट। ये कॉरपोरेट बॉक्सेस हैं और इनके जो कांच है उनमें खास बात है कि 5 डिग्री के एंगल पे हल्का सा इनको स्लांट दिया गया है, क्यों, जिससे अब फ्लैट होता है जब कांच तो साउंड उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब थोड़ा सा डायगनल आप करते हैं कांच को तो बाउंस होती है, उस वजह से क्या होता है एक वेम्बली रोर, जो फेमस वेम्बली रोर है वो आप सुनने को मिल सकता है। ये बच्चे यहाँ पर वो रोर को जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो क्या रहा है पता नहीं रोर है कि म्याओ है समझ नहीं आ रहा बट बेचारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं। वेम्बली में सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स हैं किसी भी बिल्डिंग में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2600 से ज़्यादा टॉयलेट्स हैं वेम्बली में, तो एक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स होने का रिकॉर्ड भी वेम्बली का ही।
ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे इंग्लैंड के प्लेयर्स मेंस और वुमेंस टीम दोनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं। 200 से ज़्यादा जर्नलिस्ट यहाँ पर ये होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेस रूम्स यूके में किसी भी फुटबॉल टीम का या किसी भी स्पोर्टिंग टीम का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है ये। और अभी हमने यहीं पर ही फ़ोटो खिंचाई है बैठ के, और यहीं पे गैरेथ साउथगेट और सरीना वाइगमैन जो इंग्लैंड वुमेन्स की कोच है यहीं बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देती हैं और जर्नलिस्ट को एड्रेस करती हैं। गाइस तो आ चुके हैं हम इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में, और ये है वेम्बली का ड्रेसिंग रूम जहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर्स बैठते हैं। गैलेगर, मेडिसन, विल्सन, रामसडेल और विमेंस टीम के भी साथ साथ यहाँ पर लगा हुआ है। जूड बेलिंगम, मैन वाइट, फिल फोडन, मेसन माउंट, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बुकायो साका, कॉनर कोल, एरिक डायर, केल्विन फिलिप्स, निक पोप, किरण ट्रिपियर, मार्कस रैशफोर्ड, रहीम स्टर्लिंग, हैरी केन, एंडरसन, ग्रीलिश, हैरी मैग्वायर, जॉन स्टोन्स, डेक्लिन राइस, लूक शॉ, काइल वॉकर एंड ऑफ कोर्स जॉर्डन पिकफर्ड, रे विलियम्स। यहाँ पर विमेंस टीम के भी जैसा हमने देखा लगे हुए हैं साथ साथ। ये टनल है जहाँ से होम और अवे टीम्स आती हैं, दोनों टीम्स आती हैं। पिच साइड पे आ चुके हैं वेम्बली पे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश, हम भी बहुत ही ज़्यादा खुश। दिस इज द वेम्बली पिच साइड, यहाँ पे खेलते हैं असली चैंपियंस। और पिच को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल सन दिया जा रहा है, ये फैन से सजाया जा रहा है पिच को। जैसा आप देख सकते हैं ये है वेम्बली का नज़ारा, 90,000 लोगों के सामने यहाँ पर खेलते हैं इंग्लैंड के सुपरस्टार्स और असली चैंपियंस। कप फाइनल्स, कोई भी बड़ा इवेंट, सब कुछ यहाँ होता है इस पिच साइड पे। क्या अमेजिंग व्यू है, शानदार। इमेजिन कीजिए 90,000 लोग आपको यहाँ से चीयर कर रहे हैं और आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा व्यू। दो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, एक पिच के इस एंड पे है और बिल्कुल एक पिच के अपोजिट एंड पे है, तो सबको दिखता है ये स्क्रीन। बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। दिस वॉज आवर वेम्बली टूर। और ये आर्च जैसा आप देख सकते हैं, दी आइकॉनिक आर्च, दी आइकॉनिक वेम्बली स्टेडियम जहाँ पर खेलते हैं असली चैंपियंस। हमारी जितनी भी इंग्लिश फुटबॉल की चैंपियनशिप्स होती हैं फाइनल यहाँ डिसाइड होता है। इंग्लैंड अपने होम मैचेस इधर खेलती है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा स्टेडियम्स हो उनका टूर आपको दिखाएं। और कैसा लगा आपको वेम्बली स्टेडियम, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मिलते हैं आपसे, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।